गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल हेवन केमिस्ट्री क्लास में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में, न्यूमेरिकल्स ऑफ पीएच वैल्यू। तो पीएच वैल्यू के बहुत सारे न्यूमेरिकल्स वगैरह पहले ही वीडियो में करा दिए गए, और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोई यदि आपको स्ट्रॉन्ग बेस दिया हुआ है और यदि उसका परसेंट दिया हुआ है, परसेंट के बेस पर आपको पीएच वैल्यू कैसे आप कैलकुलेट करेंगे, परसेंट के बेस पर पीएच वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस वीडियो में इस बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आइए चलिए देखते हैं स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच वैल्यू। पीएच वैल्यू ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस ऑन द बेसिस ऑफ परसेंट, यदि परसेंट आपका है, परसेंट के बेस पर किस तरह न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, आइए चलिए देखते हैं। तो क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके का होगा। पीएच वैल्यू के लिए जो फार्मूला आपको यूज करना है, ये फार्मूला आपको मालूम है कि पीएच इक्वल, किसी की भी पीएच वैल्यू निकालनी है आपको, तो पीएच इक्वल माइनस लॉग ओएच आयन कंसंट्रेशन, ये फार्मूला आपको हमेशा याद रखना है। किसी की भी यदि पीएच वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी हो तो फार्मूला आपके पास ये सामने होना चाहिए। इसके बाद अब क्वेश्चन हमारा को इस तरीके का होगा कि ये आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कैलकुलेट द पीएच वैल्यू, कैलक्यूलेट द पीएच वैल्यू, पीएच वैल्यू ऑफ 4% NaOH सॉल्यूशन, 4% NaOH सॉल्यूशन। यदि हमारा NaOH का सॉल्यूशन आपका 4% गिवन हो तो उस केस में आपको पीएच वैल्यू फाइंड आउट करनी है कि हमारी पीएच वैल्यू क्या होगी। तो यहां पर देखिए किस तरह सॉल्व करेंगे। ये आपने इसको सॉल्व किया, यहाँ पर हमारा परसेंट गिवन है, परसेंट के बेस पर हम इसकी क्वांटिटी फाइंड आउट कर लेंगे। परसेंट का जो डेटा दिया हुआ है, एनएवएच का जो परसेंट है 4% गिवन है हमारा, तो इसमें यहाँ से क्वांटिटी निकालेंगे वेट ऑफ एनएवएच। तो एनएवएच का जो वेट होगा वो हमारा गिवन है 4%, 4% मीन्स 4 ग्राम, यानी परसेंट में 100 में, तो वॉल्यूम आपका जो होगा वी, वी हमारा निकलेगा 100 ml। जब इसे लीटर में कन्वर्ट करेंगे आप, लीटर में कन्वर्ट किया तो ये हो जाएगा हमारा 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1 लीटर, या इसको आपने डायरेक्ट 100 अपॉन कर दिया 1000, तो ये निकलेगा आपका 0.1 लीटर, ये मिला आपको। अब हमें वॉल्यूम मालूम है और NaOH की ग्राम में क्वांटिटी मालूम है, तो यहां से इसकी नॉर्मलिटी फाइंड आउट कर लेंगे। नॉर्मलिटी के लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, किसी की भी नॉर्मलिटी निकालनी तो नॉर्मलिटी इक्वल लिखते हैं आप क्वांटिटी इन ग्राम अपॉन इक्विवेलेंट वेट इनटू वॉल्यूम इन लीटर भी। इक्विवेलेंट वेट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर, तो यहां पर इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट करेंगे। एनएवएच दिया हुआ तो एनएवएच का इक्विवेलेंट वेट होगा, इक्विवेलेंट वेट इक्वल होता है हमारा मॉलिक्यूलर वेट, और अपॉन बेस दिया हुआ तो बेस में होगी हमारी एसिडिटी, जितने बेस होते हैं बेस में एसिडिटी होती है जिसे हम अम्लीयता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा क्या मिलेगा, मॉलिक्यूलर वेट NaOH का निकालेंगे तो ये 40 होगा, क्योंकि Na का आपका 23, ऑक्सीजन का 16 और H का आपका 1 अपॉन एसिडिटी, यहाँ पर नंबर ऑफ OH हमारा 1 है तो आपकी एसिडिटी 1 हो गई, यानी ये टोटल हमारा आ जाएगा 40। तो 40 आपका इक्विवेलेंट वेट आ गया। तो यहाँ पर दिया हुआ है ग्राम में क्वांटिटी हमारी 4 ग्राम है, और मॉलिक्यूलर E आपने इक्विवेलेंट वेट फाइंड आउट किया हुआ है 40 इंटू वॉल्यूम इन लीटर हमारा दिया हुआ है 0.1, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 0 होगा, यानी 40 से 40 कैंसिल हो गया, n इक्वल हमारा आ गया 1, यानी नॉर्मलिटी आपके पास 1 आ गई, जो भी हमारे पास NaOH सॉल्यूशन था उसकी नॉर्मलिटी आपकी 1 है। तो सॉल्यूशन जो हमारे पास होगा वो आप देखेंगे कि 1 m NaOH सॉल्यूशन। अब ये हमारे पास जो है सॉल्यूशन, ये बेस है, बेस की नॉर्मलिटी आपकी 1 दे दी गई है, बेस आपका OH आयन रिलीज करेगा तो OH के बेस पर OH हमारे क्या होते हैं, नॉर्मलिटी के इक्वल OH आयन कंसंट्रेशन इक्वल 1 होगा। अब जब OH आपने 1 फाइंड आउट किया होगा तो यहां से हम H आयन, तो हम लगाएंगे फॉर्मूला फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, फ्रॉम आयनिक प्रोडक्ट, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर का जो फॉर्मूला होगा वो होता हमारा एच आयन कंसंट्रेशन इक्वल 10^-14 और अपॉन होगा आपका OH आयन कंसंट्रेशन। अब यहां पर आपका जो वैल्यू दी हुई है, वैल्यू आप पुट करते हैं
तो यहाँ से हमारा मिलेगा 10 टू द पावर माइनस 14 अपॉन OH की वैल्यू हमारी 1 है, तो 1 रख दिया तो ये आ गया आपका 10 टू द पावर माइनस 14, यानी एच आयन कंसेंट्रेशन आपका ये निकला। जब एच आयन आपने निकाला तो हमें पी एच फाइंड आउट करना, तो पी एच के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं, माइनस लॉग एच आयन कंसेंट्रेशन। अब वैल्यू पुट करते हैं, माइनस लॉग एच आयन की वैल्यू है 10 टू द पावर माइनस का 14, सॉल्व करेंगे इसे, माइनस माइनस का 14 और लॉग 10, लॉग 10 की वैल्यू हमारी 1 होगी, 1 और माइनस माइनस प्लस होगा, तो पी एच निकला आपका 14। तो यहां से जो आपका फाइनल आंसर हुआ 4% एनवेस सॉल्यूशन की पी एच वैल्यू 40 निकलेगी। तो इस तरीके से आपकी कहीं भी बेस दिया हो और बेस की हमें आपकी पी एच वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे। यदि आपको ग्राम में क्वांटिटी दी हुई है तो उसकी पहले नॉर्मलिटी निकालेंगे, परसेंट दिया हुआ तो परसेंट की डेटा से पहले आप उसकी ग्राम में क्वांटिटी फाइंड आउट कर लें और इसके बाद फिर नॉर्मलिटी निकाल करके डायरेक्ट हमारा बेस होगा, बेस OH आयन देगा और OH आयन हमें मालूम है तो आयन टोटल पर वाटर का फॉर्मूला लगा करके यहाँ से हम क्या निकालेंगे, इसी एच आयन कंसंट्रेशन। OH आयन मिल गया तो पीएच वाला फॉर्मूला आपके पास है कि पीएच इक्वल माइनस लॉग एच आयन कंसंट्रेशन के, तो वैल्यू इसमें पुट कर देंगे, सॉल्व करेंगे तो पीएच वैल्यू हमारी निकल आएगी। तो ये थी पीएच वैल्यू ऑफ स्टॉक बेस, कितनी निकली यहाँ पर 4% एनुअल सॉल्यूशन था उसकी पीएच वैल्यू 40 निकली। तो इस तरह वीडियो को आप देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को देखते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।